विधानसभा में मैंने कहा था, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये गोवंश जिस प्रकार राजस्थान में गांव गांव में आपकी नाकामयाबी के कारण उस समय लंपी हमारे और उत्तर प्रदेश में दोनों में साथ साथ कहर ढा रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक दिन के अंदर 90,000 से लेकर 1,25,000 तक वैक्सीनेशन कर रही थी गोवंश का, हम यहां कर रहे थे 7,000 से 8,000। मैंने कहा आपकी लापरवाही के कारण से राजस्थान के अंदर आपके पास जो आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा गाय मरी है। सरपंच संघ ने उस वक्त ज्ञापन दिया कि हमारे गणना के अनुसार 5,00,000 से ज्यादा गोवंश काल कलवित हुआ है, इसके निस्तारण के लिए आपने जो गाइडलाइन दी है उतना बड़ा खड्डा खोदना जेसीबी लाना उसके लिए मैं अलग से फंड दू। पर आप देखो सरपंच संघ कह रहा है 5,00,000 से ज्यादा गोवंश काल कलवित हुआ है, मुख्यमंत्री जी आज वीर बन रहे हैं कह रहे हैं मैंने 41,000 को दे दिया, खुद के इनके आंकड़े कह रहे हैं 76,000 की। इस प्रकार की सरकार चल रही है। विधानसभा में मैंने कहा था, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये गोवंश जिस प्रकार राजस्थान में गांव गांव में आपकी नाकामयाबी के कारण उस समय लंपी हमारे और उत्तर प्रदेश में दोनों में साथ साथ कहर ढा रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक दिन के अंदर 90,000 से लेकर 1,25,000 तक वैक्सीनेशन कर रही थी गोवंश का, हम यहां कर रहे थे 7,000 से 8,000। मैंने कहा आपकी लापरवाही के कारण से राजस्थान के अंदर आपके पास जो आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा गाय मरी है। सरपंच संघ ने उस वक्त ज्ञापन दिया कि हमारे गणना के अनुसार 5,00,000 से ज्यादा गोवंश काल कलवित हुआ है, इसके निस्तारण के लिए आपने जो गाइडलाइन दी है उतना बड़ा खड्डा खोदना जेसीबी लाना उसके लिए मैं अलग से फंड दू। पर आप देखो सरपंच संघ कह रहा है 5,00,000 से ज्यादा गोवंश काल कलवित हुआ है, मुख्यमंत्री जी आज वीर बन रहे हैं कह रहे हैं मैंने 41,000 को दे दिया, खुद के इनके आंकड़े कह रहे हैं 76,000 की। इस प्रकार की ये सरकार चल रही है।